तो इसमें हम लोग चलिए पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर, ठीक है बेटा, रिजॉल्विंग पावर। अब हम बात करें ना कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर मतलब वो ताकत, वो पावर जिसकी वजह से हम किन्हीं दो पॉइंट हैं उनके बीच की कम से कम दूरी को हम क्लियरली देख पाए। तो इसमें टर्म पहले आता है रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। ये क्या होता है रिजॉल्विंग लिमिट, क्या होता है कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स विच कैन बी वर्ड एक यूज करते हैं डिस्टिंक्टली, विच कैन बी डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब समझ लीजिएगा क्लियरली, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विच कैन बी डिस्टिंक्टली रिजॉल्व्ड, विच कैन बी डिस्टिंक्टली रिजॉल्व्ड। अब रिजॉल्व्ड का मतलब है सीन, विच कैन बी सीन, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पे भी रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे का जो देखा जा सके, फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं विच कैन बी डिस्टिंक्टली रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्मल व्यू आप आँख से देख रहे हैं, तो उस केस में जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है वो हो जाता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पहले क्या क्या है। देखो कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम, अब आँख के लिए बात करें तो आँख ही की बात कर लीजिए या लेंस होता, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब यूज्ड का मतलब मान लीजिए हम नॉर्मल लाइट में देख रहे हैं, तो उस केस में अब विक्योर होता है तो उसमें तो कई लाइट होती है, तो उसमें एवरेज यानी येलो लाइट की वेवलेंथ यूज कर लेते हैं। एवरेज वेवलेंथ क्या होता है, येलो लाइट का एवरेज क्या ले लेंगे, येलो लाइट वाला वेवलेंथ, ठीक है। स्मॉल डी क्या होता है बेटा, स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस, जो विच कैन बी मतलब ये नहीं, बस ये कह लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है, दिस इज रिजॉल्विंग लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यही से रिजॉल्विंग पावर, देखो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि लीनियर, लीनियर रिजॉल्विंग पावर, ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग लिमिट का उल्टा रख दो कितना आ जाएगा, स्मॉल डी बाई लेमडा कैपिटल डी, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एक ये भी आता है एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, ये कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल डी बाई लेमडा कैपिटल डी, गायब कर दीजिए, ठीक है बेटा, तो इसे आप नोट कर लीजिए।
मिटाते हो बेटा, तो अब हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, रिजॉल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, ठीक है बेटा। तो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो समझना, जैसे माइक्रोस्कोप में मैंने कहा ये लेंस है बेटा, ये लेंस है। अब लेंस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे मिला दिए, ठीक है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये एंगल मान लो थीटा है। ध्यान देना यहाँ पे थीटा क्या है, सेमी कोन एंगल, जो कोन बन रहा है उसका सेमी हाफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है बेटा, ये जो होता है वो होता है लैम्डा बाई टू म्यू साइन थीटा, ठीक है। मैं बता दूं ऑब्जेक्ट ओ और लेंस के बीच का जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू होता है। वो म्यू यहाँ पे लिखा है, लैम्डा पता आपको क्या होता है, थीटा पता है आपको, दिखा दिया डायग्राम में, ठीक है। दिस इज वॉट लैम्डा बाई टू म्यू साइन थीटा। इसलिए रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा बेटा, रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो टू म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ देखिएगा कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। कई बार क्वेश्चन इसी पे लगते हैं, ठीक है। एक समझने वाली चीज़ समझिएगा, तो आपको वो थीटा क्या होता है पता, म्यू वगैरह क्या होता है पता है। एक कई जगह कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, जो म्यू साइन थीटा होता है इसी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, वर्ड अगर वो यूज करता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज गिवन एज दिस, तो म्यू साइन थीटा जो होता है उसी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर म्यू साइन थीटा को ही हम बोलते हैं, क्लियर है बेटा। दिस इज फॉर व्हाट, माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। अब फिर आता है टेलीस्कोप के लिए, तो टेलीस्कोप के लिए एक चीज समझिए बेटा, टेलीस्कोप में क्या होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन, सॉरी लीनियर रिजॉल्विंग पावर नहीं देखते हैं टेलीस्कोप में, ठीक है। क्योंकि टेलीस्कोप के लिए हम जनरली जब भी हम बात करें तो एंगुलर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए लीनियर डिस्टेंस की हम बात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो आप कह लीजिए, इसके लिए जो होता है एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, ये जो होता है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। यहां पे मैं बता दूं यहां पे डी क्या है, डी इज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो डी क्या है बेटा, वो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ये होता है, ठीक है। इसलिए एंगुलर रिजॉल्विंग पावर या सिर्फ रिजॉल्विंग पावर लिखा मिले किसके लिए बेटा, टेलीस्कोप के लिए, दोनों को एक ही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे कितना होगा वो d बाई 1.22
लैम्डा हो जाता है। सिर्फ रिजॉल्विंग पावर लिखा हुआ मिले या एंगुलर, क्योंकि अब टेलीस्कोप के लिए एंगुलर की ही हम बात करेंगे, तो दिस विल बी द व्हाट रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग लिमिट आपको पता गया ये रेडियन में आएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो डी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ हम बोल सकते थे कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ लेंस बोल दीजिए, ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए, या अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए। एंड ऑल्सो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अच्छा, एक और चीज़ है, एक पॉइंट देख लीजिएगा कि रिजॉल्विंग पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि आप फोकल लेंथ डबल कर दिए तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा। क्लियर रहिएगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। तो रिजॉल्विंग पावर का ये हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, और रिजॉल्विंग पावर ये आपका हो गया, ठीक है।